शज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स ने अपने सेकेंड वीकेंड में सिर्फ 9.7 मिलियन डॉलर्स ही कमाए हैं। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के साथ थिएटर्स में क्या हो रहा है। यानी इस फिल्म को थिएटर में देखने कोई जा ही नहीं रहा है। जब मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने गया था तो पूरा थिएटर ही खाली था। वैसे देखा जाए तो शज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स इतनी बुरी फिल्म नहीं थी जितना खराब इसका हाल चल रहा है। और इसी वजह से इस फिल्म के एक्टर ज़ैकरी लिवाय वार्नर ब्रोस को ब्लेम कर रहे हैं कि जितना इस फिल्म को प्रमोट करना चाहिए था उतना वार्नर ब्रोस ने इस फिल्म को प्रमोट किया ही नहीं। और कुछ डीसी फैंस का तो ये कहना है कि स्नाइडर उसको कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से ये फिल्म फेल हो गई। जिस पे ज़ैकरी लिवाय ने रिप्लाई करते हुए कहा कि वो इस बात से अग्री करते हैं, लेकिन इस फिल्म के फेल होने के पीछे इस फिल्म की पुअर मार्केटिंग है। जो भी है, शज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स ये फिल्म आप लोगों को कैसी लगी थी और इस फिल्म के फेल होने के पीछे आप लोगों को क्या रीजन लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना।